Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. अमान के जाने के बाद सिकंदर साहब हसबे मामूल शाम की चाय और अखबार लेकर अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गए, लेकिन आज उन ताज़ा तरीन सुर्खियों और तज्जियों में उनका दिल नहीं लग रहा था। उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखों में गहरी उतासी और दिल पर एक बोझ सा था। सिकंदर साहब कुर्सी से उठकर अपनी ख्वाबगाह में गए और साइड टेबल की दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें एक खूबसूरत खातून एक सोफे पर बैठी हुई थी। वो एक रिवायती पेशवास में मलबूस थी और उनके सर पर रखा हुआ कम खाप का दुपट्टा उनके हुस्न पर चार चांद लगा रहा था। उनके लंबे घने बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उनकी मुस्कुराहट और गजाली आंखें इस कदर दिलकश थीं मानो जैसे अभी कुछ बोल पड़ेंगी। सिकंदर साहब ने उनसे मुखातिब होकर कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि एक दिन सबको जाना है, फिर भी इस सच को तस्लीम करना कितना मुश्किल है। कल अचानक जब मेरा कंप्यूटर ख़राब हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे पता है कि ये एक मशीन है और इसे भी एक ना एक दिन ख़राब होना ही था, लेकिन फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि ये कंप्यूटर हमारे अदील का था। उसकी छोटी मासूम उंगलियों को मैं आज भी उस कीबोर्ड पर महसूस कर सकता हूँ। वो मुझे उस कुर्सी पर बैठा हुआ नज़र आता है जहाँ मैंने उसे टाइपिंग करना सिखाया था। यादों में छुपे उसके बचपन को मैं आज भी शायद उस कंप्यूटर के ज़रिए जी रहा हूँ। रिश्ते दिल की धड़कन होते हैं और ये बात तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है सुमैया। 50 साल का साथ और फिर अचानक तो मुझे यूं अकेला छोड़कर चली गई। अदील भी हमारी बहू को लेकर सात समंदर पार अमेरिका चला गया। हमारा पोता रेहान, उसका तो मुंह भी नहीं देखा आज तक। सुम्मी, मैं चाहते हुए भी उससे मिल नहीं सकता। अब ये सफर मुझसे अकेले नहीं कटता। मेरे पास जीने का अब कोई मकसद नहीं बचा है। मैं दुनिया से मायूस और जिंदगी से बेजार हो चुका हूँ। हर रोज मैं अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए किसी न किसी से उलझ पड़ता हूँ। मैं तिल मिला उठता हूँ, कभी अब्दुल्ला पर तो कभी लोगों पर सच तो ये है कि मैं खुद से ही लड़ पड़ता हूँ। सिकंदर साहब अभी इन्हीं ख्यालों में गुम थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फोन उठाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अदील बेटा? आगे से अदील ने हैरत से पूछा, वालेकुम अस्सलाम। अरे अब्बू, आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? बेटा, जब तक तुम्हारी अम्मी हयात थी तो उनकी कुछ सहेलियों और चंद रिश्तेदारों का फोन आया करता था, लेकिन अब इस लैंडलाइन की घंटी सिर्फ तब बजती है जब तुम्हारा फोन आता है। इस पर वो दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर अदील ने पूछा, अब्बू, वो आज कनेक्ट हब से कोई आया था? हाँ बेटा, वो बोल रहा था कि अब ये कंप्यूटर ठीक नहीं हो सकता, तो मैं आपके लिए एक नया लैपटॉप या पीसी भेज देता हूँ अब्बू। अदील के इस मशवरे पर सिकंदर साहब ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम जहमत मत करो, मुझे कुछ खास ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की। सच कहूँ तो घर में रखा हुआ था, बस इसीलिए कभी कभार इस्तेमाल कर लिया करता था। मैं तो आज भी कलम से लिखना पसंद करता हूँ। ये सुनकर अदील ने एक पल ठहर कर नहायत नरमी और आजिजी के साथ पूछा, अब्बू, आप ये जिद क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारी अम्मी को भी मुझसे यही शिकायत थी बेटा। अब्बू, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते हमारे पास? अपना ख्याल रखना बेटा, हिना और रेहान को मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार देना। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो अब्बू, अब्बू मेरी बात तो सुने। मगर अदील की बात मुकम्मल होने से पहले सिकंदर साहब ने ये कहकर फोन रख दिया। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।